हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अपने घर पे बिल्कुल ठीक हूँ। तो तैयारियाँ देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये है वट सावित्री व्रत की पूजा, और जिसके वहाँ नहीं होती है उनको भी आजकल आइडिया हो जाता है इतना सोशल मीडिया से देख देख के। और ये ब्लॉग मैं काफ़ी लेट एडिट कर पाई हूँ, जस्ट बिकॉज कि मैं थोड़ा सा बिजी थी, इसलिए मैं ये ब्लॉग एडिट नहीं कर पाई हूँ। यहाँ मैं पूजा की तैयारियाँ वगैरह करके पहुँच गई हूँ मंदिर, और मंदिर भी पहुँचने में दोस्तों मुझे काफ़ी लेट हो चुका था, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे अलीगढ़ में बोला कि 11-12 बजे तक पूजा होगी, तो मैं अपना उसी वक्त उसी टाइम से गई और पता चला कि मैं ही सबसे लेट निकल गई। और यहाँ मैं पूजा का ही एक पार्ट है कि जो बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करते हैं उसके पत्ते में 7 चने रख के और उसे धागे से लपेट कर अपने जूड़े में लगा के तब पूजा करते हैं। तो जिन जिन के यहाँ ये पूजा होती है, आई होप उनको पता होगा कि ये क्यों होता है और कैसे हो रहा है, और जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि इस तरह से हम पूजा करते हैं। तो आइए मेरे साथ मिलके मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी कि ये पूजा कैसे कैसे मैंने की, और अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो प्लीज़ गाइज डोंट माइंड, क्योंकि यहाँ मम्मी वगैरह नहीं है, तो मुझे जो जो अपने आप से समझ में आया वो मैं करती रही हूँ, और फिर भी कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि नेक्स्ट टाइम मैं उसको सही कर सकूँ। तो यहाँ मैंने स्टार्ट कर दी अपनी पूजा, और जो सामान दान में देना है वो मैंने रख लिया अपनी गोद में, और जिस तरह से पूजा होती है वो मुझे जो जो समझ में आया मैं वो सब करती चली गई। आप लोग देखिएगा और बताइएगा ये ब्लॉग कैसा लगा। जैसा कि आपने लास्ट क्लिप में देखा, सारी पूजा मेरी कंप्लीट हो गई है और अब बस लगे हैं इस धागे से फेरे लगाने, बाकी 7 फेरे लगाने हैं इस धागे के साथ में, तो अब मैं वही लगा रही हूँ। और इसकी मैंने एक बहुत प्यारी सी रील बनाई है इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग प्लीज़ उसे जाकर जरूर देखिए, और वो रील यूट्यूब पर भी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूंगी, तो आप लोग प्लीज़ उसे जाकर ज़रूर देखना। और यहाँ पर ये बहुत बड़ी बड़ी ये जो नीचे लटक रही हैं पेड़ की, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही थी चलने में, बट कोई नहीं, तो चलते हैं और आगे देखते हैं। समाने को अपना बना।
तो यहाँ मेरी पूजा बहुत ही अच्छे से समाप्त हो गई है और यहाँ पे मैं जा रही हूँ पंडित जी से पूछ के दान करने। एक्चुअली जो गोद में सामान होता है वो किसी कन्या को दान करते हैं और यहाँ मेरे लिए कन्या ढूंढ पाना पॉसिबल नहीं था, तो यहाँ हर कोई इंसान पंडित जी को ही दान कर रहा था, तो मैंने उन्हें ही दान कर दिया। और बस इसके बाद मैं गई मंदिर और मंदिर के किए मैंने दर्शन। यहाँ शिव जी का मंदिर है हमारी कॉलोनी में ही, बहुत प्यारा सा, तो मैंने जाके यहाँ भी जल चढ़ाया, पूजा की, तो जो कि आप आगे की क्लिप में देखेंगे। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली आगे सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपने कैसे कैसे पूजा की है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेरा ये ड्रेस आप सबको कैसा लग रहा है, मेरा ये लुक आपको कैसा लग रहा है, तो प्लीज़ कॉमेंट में ये तो ज़रूर करके आपको बताना ही बताना है। मुझे अपना ये ड्रेस बहुत पसंद था पहले भी, बट उसका दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा नहीं मिल पा रहा था। शायद अगर आप लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने ये ड्रेस पहले भी पहना है जब हमारे यहाँ खाटू श्याम जी का जागरण था, लेकिन तब मुझे ये दुपट्टा अच्छा सा नहीं मिल पाया था। कोशिश की थी लेकिन उतना अच्छा नहीं मिला था, तो अब मुझे ये दुपट्टा मैंने खुद से कस्टमाइज़ कराया है, दुपट्टा ख़रीद के उसमें लेस लगवाई है। मुझे बहुत सेटिस्फाइंग आउटफिट लगा है ये, पूजा के पर्पज़ से भी और वैसे भी। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसे लगी।